मैं आटो बेकिंग से शीतल ठक्कर आज मैं आपके आपको चॉकलेट गार्निशिंग थोड़ा सा बताने वाली हूँ। तो ये मैंने एक शीट ले ली है, आप OHP शीट ले सकते हो या ऐसी प्लास्टिक की शीट मिल आती है वो ले सकते हो। तो इसके ऊपर मुझे लंबी लंबी ऐसी स्ट्रिंग्स बनानी है, तो इसके लिए मैं ना इसके ऊपर डार्क चॉकलेट जो हमने मेल्ट की थी वो डाल रही हूँ। इसको भी हम मोटा ही रखेंगे, पतला नहीं करना। ठीक है, इसको हमने फैला लिया, लेकिन हम क्या करेंगे इस शीट को ऐसे उठा लेंगे। ठीक है, अभी मैंने ये लगा लिया है और इसको मैं 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी, उसके बाद हम इसको शेप देंगे। ठीक है, तो ये भी मैंने फ्रिज से निकाल लिया है थोड़ा सा सेट होने पे। इसको कॉम बोलते हैं जो मैंने लिया है, क्योंकि मुझे इसमें ऐसे डिजाइन देनी है। इसको आपको अंदर से लेना है, अंदर से अंदर तक प्लास्टिक तक इसको आपको खींच के लेना है। ठीक है ना, अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक रबर लगा दूंगी और इसको भी मैं फ्रिज में 5 मिनट के लिए सेट करूंगी, तो ये अपने आप अच्छे से स्पाइरल डिजाइन निकल आएगी हमारी। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ सेट होने के बाद। तो ये मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, अब हम इसको रबर बैंड निकाल देंगे और इसको प्लास्टिक से दूर अलग करेंगे। बहुत हल्के हाथ से हैंडल करिएगा, ये देखिए। ये देखिए, एकदम हल्के हाथ से ये आप केक के ऊपर लगा सकते हो। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ आप ध्यान रखना कि आपका जो कॉम है वो लास्ट में प्लास्टिक तक जाए, नहीं तो ऐसे स्पाइरल नहीं आएंगे, पूरा ही आपका वो निकल आएगा। ठीक है, देखिए ये आप ऐसे
केक के ऊपर रख सकते हो फ्रेंड्स। ये देखिए ये देखिए, थोड़ा मोटा बनाना। इसका आप ध्यान रखिए कि लास्ट तक आपका कॉम जाना चाहिए और इसको आप थोड़ा मोटा रखोगे, नहीं तो ये क्या है ना, जैसे कट करने जाओगे वैसे टूट जाएंगे क्योंकि ये बहुत पतले हैं ना। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे अच्छी अच्छी टेक्निक सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, जिसको भी इंटरेस्ट है तो वो मेरे नंबर में देती हूँ, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकता है 9821350515। और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं और फेसबुक पे भी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक भी कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं और नई नई चीज़ें लेके आऊँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।